और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जागृति और आज मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ कपड़ों के होलसेल मार्केट में, जो कि बिलासपुर में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आपके लिए कपड़े की होलसेल मार्केट लेके चलिए, तो चलिए आपके लिए मैं लेकर के चलती हूँ। शॉप्स के अंदर जाकर पर्टिकुलरली प्रोडक्ट दिखाना या प्राइसेस बताना ये मैंने नहीं किया है, बिकॉज शॉप्स में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी फेस्टिवल्स के कारण। आप सिर्फ मार्केट इस बार देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आपके लिए आ जाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम लोकेशन के साथ। और यहाँ लोकेशन है हमारा चौक। सबसे पहले आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक देखने के लिए मिलेगा, जो कि है पुराने बस स्टैंड के जस्ट सामने, या कह लीजिए इसी चौक पे पुराना बस स्टैंड है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है हमारा तेलीपारा रोड, ओके। और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे हनुमान जी हैं, उसके जस्ट अपोजिट में एक रोड गई हुई है जिसको बोलते हैं करबला रोड। आपको उसी ओर जाना है गाइस। यहीं पर आपको बहुत सारे कपड़ों के होलसेल शॉप्स मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और ऑलरेडी बहुत सारे शॉप्स आपको भी दिख रहे होंगे। होशियरीज़ हैं यहाँ पर, कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी होशियरीज़ हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होलसेल शॉप्स भी हैं, जैसे कि साड़ियों के अलग, मेंस वेयर अलग, किड्स वेयर अलग, पर्दों के, चादरों के, ऐसे अलग अलग भी हैं। और एक में भी बड़ी बड़ी होशियारी में तो आप सभी जानते होंगे कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने ये ट्राई किया है गाइस कि ज़्यादातर शॉप्स जो हैं उनके नंबर्स आपको दिखाई दें और ये वीडियो पॉज करके आप वहाँ से नंबर ले सकें और अपनी सारी जो क्वेरीज़ हैं उसको क्लियर कर सकें। वैसे तो यहाँ आपको ब्रांडेड कपड़ों की भी शॉप्स दिख जाएगी, होलसेल शॉप्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। इसके लिए घंटी भी बजाना है आपको, ठीक है? और जो भी जहाँ की भी आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए।